हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या मुझे तुम्हें अपने मुक्को से शांत करना चाहिए, और ये कहते हुए उनका मुंह जोर से दबाना शुरू कर देती है। वो दोनों अपने मन में कहती है, लगता है इस बार तो हमारा समय ही खराब चल रहा है। किनी शेर की तरफ काफी गुस्से में देखते हुए कहती है, इसका कोई चांस नहीं है कि मैं ये करने वाली हूँ। लीशर इसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम इस चीज को लेकर श्योर हो कि तुम इस पोस्ट को डिलीट नहीं करने वाली। किनी उसकी तरफ काफी गुस्से में देखती है और अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहती है, आखिर ये औरत हमेशा मेरे आसपास कैसे आ जाती है। लिंशर अपनी मुट्ठी को कड़काती है और कहती है, ठीक है तो मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना, और ये कहती है उसका गला पकड़ लेती है। किनियो कहती है, लिंशर तुम ये क्या कर रही हो। लिंशर उसे बाथरूम की तरफ ले जा रही होती है। किनियो कहती है, लिंशर मुझे जाने दो, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करती हो तो तुम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पछताने वाली हो। लेकिन लिंशर उसके गाल पर एक चपेट मारकर दरवाज़ा बंद कर देती है। लिंशर कहती है, किनियो क्या तुम ये नहीं कहा करती थी कि जो भी मेरे साथ सेम बाथरूम को शेयर करेगा उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो अगर तुम उसी पानी को पी लो जिस बाथरूम को मैंने यूज़ किया था, क्या तुम तब भी इन्फेक्टेड हो जाओगी। किनियो काफ़ी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की, तुम ये करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन लिंशर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, उसे बाथरूम की तरफ पुश कर देती है और उसका मुँह अब उस बाथरूम के पानी के अंदर होता है। वो अंदर ही अंदर चिल्ला रही होती है, मेरी मदद करो। आसपास के सभी लोग उसे देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, देखो लिंशर ने किनियो को बाथरूम के पानी में धकेल दिया है। आसपास के कई सारे स्टूडेंट उस तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वो सब कुछ उन्हें करते हुए देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, स्कूल की बेबी अब बाथरूम का पानी पी रही है। रेयर भी ये सब कुछ देख रही होती है। वो काँप कर कोने में बैठी हुई होती है और वो कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। आसपास की लड़कियाँ ये कहती हैं, अब किनियो भी पक्का इन्फेक्टेड होने वाली है क्योंकि उसने ये सब कुछ कर लिया है। दूसरी कहती, हाँ मैं उससे दूरी बनाना ही पसंद करूंगी। और ये क्या कर, लोग आसपास बहुत सारी बातें बनाने लगते हैं। इसके बाद में किनियो को दिखाया जाता है जिसका मुंह बाथरूम से बाहर निकल चुका होता है। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, मेरी पूरी ज़िंदगी में आज तक मुझे किसी ने इस तरीके से ह्यूमिलेट नहीं किया है। वो कहती है, ये सब कुछ यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला, मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, ये सबका बदला ज़रूर लूँगी। रोयर भी सब कुछ देख रही होती है, अपने मन में कहती है, सब कुछ कितना डरावना है, क्या वो उसे जिंदा ही खाने वाली है। श्योर किनियो को छोड़ देती है और कहती है, पहले तो तुम उस पोस्ट को डिलीट करो और फिर मुझसे माफ़ी मांगो, और फिर किसी भोजपुरी सॉन्ग पे, और फिर कोई भोजपुरी सॉन्ग कम से कम 100 बार गाओ, तभी मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोचूंगी और ये सोचूंगी कि ये सब कुछ कभी हुआ ही नहीं था। वरना, और ये कहते हुए ज़मीन पर एक ज़ोरदार मुक्का मार देती है। और जैसे ही रेयर सब कुछ देखती है, वो एक भोजपुरी गाना गाना शुरू कर देती है और वो ठुमक ठुमक के उस गाने को गा रही होती है। किनियो ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है, धत्तेरी की तुम इतने आसानी से ऐसा कैसे कर सकती हो, कहाँ गई तुम्हारी डिग्निटी। रोयर उसकी तरफ देखती हुई कहती है, और अभी तुम्हें पता ही क्या है, अगर मैं अभी ये सब कुछ नहीं करूँगी तो मेरे साथ भी वो सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ हुआ है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।